पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आने पक्के हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो है वो है 14 मई के दिन निर्धारित की गई है। अब समय भी बहुत ही कम बचा है, तो इसी तरह की प्रश्नों की श्रृंखला जो है परीक्षा से पहले तक आती रहेगी, और इन सभी श्रृंखलाओं को आप लोग जो है ज़रूर हल कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़रूर ही पूछे जाएंगे और सारे प्रश्न ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिपिटकों पर प्रामाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में तैयार की गई थी? तो उसका आपका आंसर होगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है विभाषा शास्त्र जो है लिखा गया था। विभाषा शास्त्र किसकी रचना है ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वासुमित्र का विभाषा शास्त्र संस्कृत में लिखित बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। ये भी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहते हैं। इसकी रचना किसने की थी? वासुमित्र ने। और ये कौन सी बौद्ध संगीत में इसका निर्माण हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में इसका निर्माण हुआ था। विभाषा शास्त्र को जो है बौद्ध धर्म का बाइबल बाइबल भी कहा जाता है। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था ये भी याद रख लीजिए दोस्तों, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है यहाँ पे, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। और यह संगीति कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। त्रिपिटकों पर प्रामाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में तैयार की गई थी, और ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश है, और इसे बौद्ध धर्म का बाइबल भी कहते हैं। किसने लिखी थी ये भी याद रखिएगा, वासुमित्र ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्नों की श्रृंखला में जो है आपके एक ही प्रश्न के अंदर करीब 3 से 4 जो है प्रश्न और बन जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से हल कीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को किसने सोथी संस्कृति कहा था? इम्पॉर्टेंट है, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को किसने सोथी संस्कृति कहा था? तो इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर सी, आमला नंद घोष ने जो है कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को सोथी संस्कृति कहा था। किसने? आमला नंद घोष ने। सोथी जो है दोस्तों याद रखिएगा, सोथी जो है राजस्थान में घग्घर और चौतांग नदियों के मैदानी क्षेत्र में स्थित प्राक सैंधव स्थल है। सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी? ये आमलानंद घोष ने की थी, और आमलानंद घोष ने ही कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को सोथी संस्कृति कहा था। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को अप्रतिरथ कहा गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए, किस गुप्तकालीन शासक को अप्रतिरथ कहा गया है? इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अप्रतिरथ कहा गया है। इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि युद्ध के कारण इसका समस्त शरीर जो था वो घावों से भरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 20%, दूसरा है 10%, तीसरा है 30%, और चौथा है 90%। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा नंबर 4, 90%। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पे ऊर्जा का 90% ह्रास होता है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पे ऊर्जा स्थानांतरण में कमी आती है,
अगले पोषण स्तर को ऊर्जा का केवल 10% ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाने में ऊर्जा का 90% जो है हासिल जाता है, और अगले स्तर पे जाने पे कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है? केवल 10%। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक के पास एवं सबसे कम ऊर्जा उच्च उपभोक्ता के पास पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? इसका हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3, 75। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थलों की सूची है। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होते हैं। इस सूची में 11 स्थलों को अगस्त, याद रखिएगा, 11 स्थलों को अगस्त 2022 में शामिल किया गया, और इसके साथ ही अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 75 हो गई है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में 14 है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो गया है? अब ये दूसरे स्थान पे आ गया। इससे पहले कौन से स्थान पे था? इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया था? 1 फरवरी, याद रखिएगा, 1 फरवरी 1982 को जो है भारत ने इस कन्वेंशन पर साइन किया था। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रथम बार जारी किया गया है, तो आपके करंट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में दुनिया के जल संसाधनों पर पर्यावरण, जलवायु और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है ये? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पहली बार इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए से जारी किया है? तो इसका उद्देश्य मीठे पानी के संसाधनों की निगरानी और प्रभावी प्रबंधन का समर्थन करने के लिए पहली बार वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, मीठे पानी के कछुओं के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है आपका। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका सी, बिहार। मीठे पानी के कछुओं के लिए भारत के पहले पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार के भागलपुर में हो रही है, याद रखिएगा दोस्तों, बिहार के भागलपुर में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। और इस पुनर्वास केंद्र में एक समय में 500 कछुओं को एक साथ रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन ओशन मैनिफेस्टो का उद्देश्य किस वर्ष तक समुद्री मलबों को 90% तक कम करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। ग्रीन ओशन मैनिफेस्टो का उद्देश्य किस वर्ष तक समुद्री मलबों को 90% तक कम करना है? आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका पहला, 2030 तक। स्वच्छ महासागर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने रणनीतियों एवं लक्ष्यों की एक सूची तैयार की है, जिसे स्वच्छ महासागर घोषणा पत्र यानी क्लीन ओशन मैनिफेस्टो कहा जाता है। इस कार्य योजना के अंतर्गत समुद्री मलबों को 2030 तक 50-90% तक कम करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्लोबल 200 क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 धरोहरों की सूची, विश्व के 200 प्रमुख शहर, या WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन लिस्ट? तो इसका हम आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर यानी WWF द्वारा 200 संरक्षित इको रीजन की लिस्ट जो है ग्लोबल 200 है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मौसम विज्ञान संगठन यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान निम्न में से किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है ऊष्मागतिकी के नियम, दूसरा न्यूटन के गति के नियम, तीसरा बर्नौली का सिद्धांत या चौथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार यदि कोई द्रव्य नली से प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन के कुछ ऊर्जा का योग नियत रहता है। जैसे उदाहरण के चलते हम देख लेते हैं, चलते हुए गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी सिद्धांत के अनुसार गाड़ी की तरफ झुक जाता है। वायुयान का उड़ान वैज्ञानिक रूप से बर्नौली सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम ताप को निम्नलिखित में से किस में व्यक्त किया जाता है? तो परम ताप जो सिद्धांत है ये केल्विन पैमाने पर जो है केल्विन पैमाने में व्यक्त किया जाता है। परम शून्य ताप सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु निम्न ताप की सीमा होती है। किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं, और यह ताप केल्विन पैमाने जिसको हम के रूप में व्यक्त करते हैं। केल्विन पैमाने को किस पे? के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसका उपयोग सड़कों पर लगे पीले लैंपों में किया जा रहा है? निम्नलिखित में किसका उपयोग सड़कों पर लगे पीले लैंपों में किया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑर्गन, दूसरा बेंजीन, तीसरा सोडियम या चौथा हाइड्रोजन। तो इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3, सोडियम। सड़कों के किनारे लगे पीले बल्ब सोडियम वाष्प लैंप होते हैं। इन लैंपों में सोडियम पैराडॉक्साइड सोडियम साइनाइड को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें विकृत प्रकाश तरंग दैर्ध्य कुछ कम होती है, इसीलिए पीली रोशनी उत्पन्न होती है। पीले लैंपों में किसका उपयोग होता है? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी कब शुरू की गई? इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2, 2010 में। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी 2010 में शुरू की गई थी, और इसके अंतर्गत पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर यूरिया को छोड़कर सब्सिडी वाले फास्फेट और पोटास उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी एक निश्चित राशि में प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 1, 107वीं रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 121 देशों में 107वां रहा है, और 2021 में भारत की रैंक क्या थी? 116 देशों में 101वीं पे थी, और इस बार कितना? 121 देशों में जो है भारत का स्थान कौन सा है? 107वें स्थान पर है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी कहलाती है? ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है विकसित देश, दूसरा है अल्प विकसित देश, तीसरा विकासशील देशों या अविकसित देशों। किन देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 1, विकसित देश। दोस्तों, ये था हम लोगों का आज के सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।